हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मेरे पास एक फ़ोन और आया है, सैमसंग का B310E, जिसका देख रहे हैं दोस्तों, इसमें से रिंगर नहीं बज रहा है, रिंगर की आवाज़ नहीं आ रही स्पीकर का। ये रिंगर या तो रिंगर ख़राब होगा या तो कोई उसमें से कनेक्शन ख़राब होगा, अभी तक तो मुझे पता नहीं है। अभी तक तो कस्टमर लेके आया, देखिए सब सेटिंग ठीक है, मैंने सब अंदर से देख लिया, सेटिंग ठीक है, मगर इसका रिंग का आवाज़ नहीं हो रहा है, रिंग नहीं बज रहा है। दोस्तों आज हमें इसे ठीक करके दिखाएंगे, आप वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ आएगा कि इसमें क्या कमी था। या तो स्पीकर की कमी होगी या तो कोई कनेक्शन, जो कि कनेक्शन नहीं आ रहा होगा स्पीकर के पास। आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरी सेटिंग खोल के आपको दिखा रहा हूँ, रिंग भी बजा के दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, फिर भी नहीं इसका बज रहा है। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजाकर ऑल पे क्लिक करें। दोस्तों देखिए सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसका देखते हैं क्या होता है, क्या चीज़ की कमी है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। चलिए अब सब कुछ दिखा दिए, अब हम चलते हैं, फ़ोन को खोलते हैं, अब खोल के दिखाते हैं वो फ़ोन पूरा। वीडियो को लास्ट तक बनी रहिए। देखिए आपको मॉडल दिखा रहा हूँ मैं, दोस्तों मॉडल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर थोड़ा सा जूम में बबल। चलिए दोस्तों अब फोन को खोल लेता हूँ मैं। इस फोन में तीन पेंच होते हैं, तीनों मैंने खोल लिया, दो खुल गया, एक तीसरा भी खोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों देखिए इसी टूल से, ये टूल से जो मैं कर रहा हूँ, इसी टूल से कभी भी खोलना चाहिए, इसी टूल का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो नाखून से, कई होते हैं कि नाखून से भी खोल लेते हैं, मगर नाखून टूटने का डर रहता है, नाखून कट जाएगा, टूट जाएगा तो नुकसान होगा, इसलिए अपने टूल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने खोल दिया, फोन को खोल दिया है दोस्तों। अब इसको मैं मल्टीमीटर से चेक करा, स्पीकर और बोर्ड को, दोनों को मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अब मल्टीमीटर से स्पीकर, ये देखिए पुराना वाला स्पीकर को भी चेक करेंगे, बोर्ड को भी चेक करेंगे। पहले मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड पर रख लेना है, ये देखिए हमने बजर मोड पर रख लिया है, मल्टीमीटर को बजर मोड पर रख लिया है। अब हम इसको पुराने वाले स्पीकर को देखिए चेक करते हैं, बजर मोड पर रख के पुराने वाले स्पीकर को चेक किए, ये देखिए दोस्तों इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, बज रहा है। यहाँ टच करें तो बज रहा है, यहाँ टच कर रहे दोस्तों नहीं बज रहा है, ये ख़राब है स्पीकर, ये न्यू स्पीकर है, इसको देखते दोस्तों। देखिए दोस्तों एकदम सही है, देखिए दोस्तों आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए दोस्तों ये एकदम सही स्पीकर है, आवाज़ सुनाई दे रही है अब, और ये ख़राब स्पीकर है, ये देखिए इसमें नहीं बज रहा है, देखिए नहीं बज रहा है, इसको हटा दिया दोस्तों, ख़राब है, ये सही है। और एक बार हम बोर्ड को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसको बजर मोड पे रख के एक हिस्सा, ये दोनों बराबर आना चाहिए दोस्तों, एक माइनस में रख देंगे, कहीं भी माइनस में, और एक यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी करंट आ रहा है, देखिए दोस्तों दोनों बराबर आएगा, एक ये लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा, तभी बराबर आ रहा है ना, ये भी ठीक है, ये स्पीकर
क्लियर करा लें और फिर सिखा दिया। चलिए दोस्तों अब मीटर को हटाते हैं और नए वाले स्पीकर को हम लगा रहे हैं। देखिए नए वाले स्पीकर को हमने लगा दिया, नए वाले रिंगर को। अब देखते हैं इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। दोस्तों ध्यान से देखिए, इस वाले स्पीकर में आवाज़ पूरा आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल स्पीकर है, ओरिजिनल स्पीकर ही लगाना चाहिए। अब देखते हैं, हमने बैटरी लगा दिया, अब इसको ऑन करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कितनी तेज़ आवाज़ आई इसमें से, देख रहे हैं आप कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है इसमें से। अब इसको हम ऑन करके पूरा ऑन करेंगे, फिर आपको रिंगटोन बजा के सुनाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों अब ऑन कर दिया है। अब चलते हैं सेटिंग में, अब देखते हैं दोस्तों आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। देखिए दोस्तों, देखिए ये पूरी तरह से, देखिए दोस्तों कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, कितना तेज़ आवाज़ आ रहा है। इंजर इंजर खराब था, इंजर वाला जो स्पीकर होता है। अब देखिए कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है दोस्तों, अब ये सही हो गया है। अब जो है देख रहे हैं एकदम सही हो गया। अब मैं इसको सिम लगा देते हैं, अब ये सिम लगा दिया, एक सिम सिम का फोन है, तो दोनों सिम लगा दिए। और इसको टाइट कर देते हैं, बैटरी लगा के फिर से ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों बैटरी लगाया, फिर से ऑन हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।